नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के डीसी रेजिडेंस से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले जो करनाल के उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, उन्होंने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेकर काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ अपडेट किया कि किस तरह से जो धार्मिक प्रोग्राम है, शादी ब्याह के समारोह हैं, जन्मदिन है, उसको लेकर नई गाइडलाइन सरकार की ओर से आई। इसी के साथ साथ करनाल की करण गेट मार्केट में जो दो पहिया और चार पहिया वाहन है, यानी कि कार और मोटरसाइकिल है, उसको लेकर काफी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कहा गया था कि जो वाहन है वो अभी एक हफ्ते के लिए नहीं लेकर जाए जाएंगे, उसमें भी कुछ बदलाव आए। आखिर क्या कुछ ये पूरी की पूरी जो स्मार्ट सिटी के तहत प्लानिंग है, कब तक ये जारी रहेगी? जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, क्या उनके लिए कोई छूट है? क्या जो समय है वो एक हफ्ते का? इसको लेकर जो करनाल के डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर आपने एक नई पहल शुरू की, काफ़ी सारे लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। कल जो मार्केट के प्रतिनिधि थे वो सीएम साहब से मिले थे और उसमें कुछ बदलाव आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? उसमें शुरू में हमने एक हफ्ते के लिए प्रोग्राम शुरू किया था इनिशिएटिव, और इसका रेस्पॉन्स जब हमने देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये शेयर हुआ, दुकानदार लोग भी कुछ लोग मिले थे सीएम साहब से, तो उसका जो रेस्पॉन्स लोगों में आया वो बड़ा पॉजिटिव है। विशेष रूप से जो वहाँ लोग आने जाने वाले लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर बड़े उत्साहित हैं। तो इसलिए ये फैसला लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कि इसको एक महीने के लिए जारी रखा जाएगा। तो पूरे अप्रैल हम इस इनिशिएटिव को चालू रखेंगे। उसके दो फायदे मुझे अभी नज़र आते हैं। एक तो ये कि लोगों में पार्किंग का इस्तेमाल करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी चीज़ शुरू होती है, पार्किंग स्वाभाविक है कि लोगों के लिए इनकन्वीनियंट है, दूर व्हीकल खड़ा करके 200-300 मीटर पैदल चल के जाना। लेकिन अगर वो उसको यूज़ करने की आदत डाल लेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो महीने भर करने से एक तो लोगों को पार्किंग इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाएगी। हमने टोटल 5 पार्किंग बना दी हैं, 2 पार्किंग तो एक ओल्ड MCK बिल्डिंग और ओल्ड सब्जी मंडी तो पहले से तय थी, आज बाकी 3 पार्किंग हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट भी उसका टेंडर खुल गया है। तो रामलीला ग्राउंड, ओल्ड अनाज मंडी और एक जनरली कोठी, इन तीनों को पार्किंग भी हमने बना दिया। तो 5 पार्किंग तैयार हैं। तो मैं मानता हूं कि जो मेन हमारा कंजेस्टेड एरिया है वो हम आराम से पार्किंग से कवर कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट मुझे नज़र आता है वो ये रहेगा कि जो रश है मार्केट में वो बड़ा कम रहेगा, लोगों को पैदल आराम से सहूलियत से आने जाने की सुविधा मिलेगी। तो इसको देखते हुए हमने इस पे रखी है। एक बात इसमें ये आई थी कि जो 2-व्हीलर्स वाले लोग हैं उनको पार्किंग में बड़ा हर बार 10 रुपये दिन के देने पड़ते हैं, हो सकता है एक आदमी दिन में 3 बार आए, 4 बार आए, तो उसके लिए हमने ये किया कि जो उसके मंथली पास है उसकी अमाउंट 50 रुपये रखी है, कि वो 50 रुपये का पास बनाए और पूरे महीने में जो मर्जी आए, जितनी बारी आना है वो आए। हालांकि हम उसको फ्री में भी रख सकते थे, एक बात आई थी, लेकिन 50 रुपये बड़ी नॉमिनल सी चार्ज है, और अगर कई बार क्या होता है हर चीज़ फ्री में देते हैं तो उसकी शायद वैल्यू उतनी ना हो पाए, इसलिए हमने उसके मंथली पास की जो अमाउंट घटा करके 50 रुपये कर दी है। 50 रुपये में उसका मंथली पास वो बनवा सकते हैं। कार के लिए सर क्या प्रोविजन है पास की? कार के लिए 300 रुपये का पास है, वो आई थिंक रीजनेबल है मंथली पास। कार से जो भी कोई आता है तो 300 रुपये में पास बनवाए। और इसमें जो बात आई थी कि इसकी जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो हम आइडेंटिफाई हमने 20 ई रिक्शा किए हैं, इनको हम टोकन दे देंगे और कोशिश करेंगे कि इनके फ्रंट को एक अलग कलर में पेंट करा दिया जाए और उनको भी हम उस पर चलवा देंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि स्मार्ट इस जो ये जो मार्केट है इसको स्मार्ट बनाया जाए। आज मेरी कुछ डॉक्टर से मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग कुंजपुरा रोड, उनकी कुछ शंकाएँ थी क्योंकि कुंजपुरा रोड को भी 16 तारीख से हम जो है नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो उस पर भी उनके काफ़ी सारे सुझाव आए थे, वो हमने मॉनिटर करे हैं, उसका जल्दी उस पर कॉल ले लेंगे। और जो भी साइड की जो लेन्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, जो एनक्रोच थी उनको एनक्रोचमेंट को ठीक कराएंगे, क्योंकि कुंजपुरा रोड की लेंथ काफ़ी लंबी है, तो अगर साइड की रोड से एंट्रेंसेज नहीं दी जाएंगी तो हो सकता है हॉस्पिटल तक लोगों को पहुंचने में परेशानी आए। तो एक तो ये कि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल है हम वो बैरिकेड हटा के उनको तुरंत अलाउ करेंगे कुंजपुरा रोड पर, दूसरा अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो वो भी बैरिकेड हटा के जा सकता है। और जो साइड वाली रोड्स हैं जो कुंजपुरा रोड को कनेक्ट करती हैं मुगल कैनाल रोड पर और इधर ओल्ड GT रोड पे बस स्टैंड की साइड, उन सारी रोड्स को भी एनक्रोचमेंट से हटवाया जाएगा ताकि लोग उन रोड्स का इस्तेमाल करके अस्पतालों तक पहुंच सके। सर, जो आपकी पहल है इसका काफ़ी लोग स्वागत भी कर रहे हैं क्योंकि आम लोग हैं उनको सहूलियत नज़र आ रही है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बड़ी बड़ी मार्केट्स की बात करें, वहाँ पर दुकानदार भी सहयोग करते हैं, पब्लिक को भी कन्वीनियंस कहीं ना कहीं मिलती है। दुकानदार जो विरोध कर रहे हैं, सर दुकानदारों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारी दुकानें बंद करवाने का प्लान बना लिया प्रशासन ने, सरकार की छवि खराब हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ पॉजिटिव वे में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, एक तो जो लोग आते हैं उनका बड़ा सपोर्ट भी है, काफ़ी सारे दुकानदारों ने भी इस मुहिम का सपोर्ट किया है। जो लोग जिनको ये लगता है, कुछ लोग
कि उससे उनका बिजनेस इफेक्ट होगा, मैं उनको अश्योरेंस देना चाहूँगा कि इसमें जो पूरी मुहिम में जो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है वो दुकानदार है। अगर किसी का भी बिजनेस खराब होता है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी को नुकसान हो इस तरीके का। हम उसमें जो भी परिवर्तन करने पड़े वो करेंगे। मैं उनसे बस यही आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा समय दे के देखें। अभी इस इनिशिएटिव को 4 दिन 5 दिन पूरे हुए हैं, अगर महीना भर का समय देंगे तो दोबारा से लोगों को आदत पड़ेगी, लोग अब मार्केट में आएंगे। अभी जो मेरी इनपुट है इवनिंग में, काफ़ी उसी उतनी रश है, रश में मार्केट में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि जो ये इतनी फेमस मार्केट है, करंट गेट मार्केट है, ओल्ड जीटी रोड मार्केट है, गुड मंडी है, कि यहाँ से पूरे शहर के और उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आते हैं। तो जो आदमी 10-15-20 किलोमीटर दूर चल के आता है तो उसके लिए 200 मीटर पैदल चलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और विशेष रूप से अगर मार्केट की कंडीशंस ठीक मिली, ज़्यादा भीड़ नहीं मिली मार्केट में, तो खुश होकर वो मार्केट में चलेगा। तो मेरी उनसे आग्रह रहेगी कि एक बार इसको समय दे के देखें, निश्चित रूप से उनकी सेल में इजाफा होगा 1 महीने के बाद। सर कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब हम कोई भी न्यूज़ चलाते हैं तो उनके कमेंट्स आते हैं, फ़ोन भी करते हैं, जाहिर है आपके पास भी मैसेज आते होंगे। लोग ये चाहते हैं सर कि जब भी कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सर करनाल को वाकई स्मार्ट बनाने के लिए, तो कोई ऐसा ईमेल आईडी हो सर जिसमें आप हर बार लोगों के सुझाव लें, क्योंकि कुछ सुझाव ऐसे हैं जो शायद प्रशासन के नॉलेज में भी योजना लागू होने के बाद आते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम कल को यह भी कहा जा सकता है कि लोगों के सुझाव लेकर यह योजना लागू की गई है। बड़ा अच्छा विचार है, जरूर इस पे एक तो हम ईमेल आईडी जारी कर देंगे, इसमें विशेष रूप से रोड सेफ्टी साइड से कर देंगे, क्योंकि ये सारे मैटर्स लॉन्ग अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो रोड सेफ्टी को कनेक्ट करते हैं। और दूसरा, जो हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग्स होती हैं, ये सारे मुद्दे, इनफैक्ट ये मुद्दा भी वहाँ डिस्कस हुआ था, वहीं से इसका जो ओरिजिनेशन है वो वहीं से आया। तो उसमें लगभग 100 लोग के करीब आते हैं, उसमें हमारे सरकारी अधिकारी भी हैं, RSO के लोग भी हैं। उसमें भी अगर कोई 20-30-50 लोग का ग्रुप अगर ये कहता है कि हमें रोड सेफ्टी पर काम करना है, इस तरह के इनिशिएटिव पर काम करना है, तो हम उनको भी हमारी मंथली मीटिंग्स में आमंत्रित किया करेंगे, ताकि उसमें जो 20-30-50 मुद्दे जो उस मीटिंग में डिस्कस होते हैं उसका भागीदार ये लोग भी रहें। और एक ईमेल आईडी जरूर मैं कल तक जारी इसकी करवा दूंगा। ईमेल आईडी आ जाएगी सर। एक सर सेक्टर 13 की मार्केट में काफ़ी काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, वहाँ पर भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। एक माल रोड को लेकर सर इस तरह की भ्रांति तो मैं इसे नहीं कह सकता, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर पता लग रहा है कि शायद इसको भी माल रोड को 1 वे किया जा सकता है, इसको लेकर लोग क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कि क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। माल रोड को निश्चित रूप से हम 1 वे करने का प्लान है हमारा डे टाइम में, बिकॉज दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो पैरेलल मीनार रोड है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, ऑलमोस्ट खाली पड़ा रहता है। उसको हमने नगर निगम से रेनोवेट करा दिया है, सारी जो चाहे वो प्रॉपर तरीके से स्पीड ब्रेकर बनाना, साइनेजेस करना, वो हमने कर दिया है। मॉल रोड पे इतना रश होता है बिकॉज कुछ बैंक्स हैं और कुछ शॉप्स हैं कि दिन के टाइम में यहाँ से प्रैक्टिकली सिंगल लेन बच जाता है ये। तो हम दिन के समय में मॉल रोड को सिंगल लेन कर देंगे, 1 वे कर देंगे, और मीनार रोड को दूसरा तरफ जो मीनार रोड का इस्तेमाल करेंगे। एक बार अगेन इसको ट्रायल के तौर पे शुरू करके देखेंगे, अगर इसमें कोई समस्या आती है तो दोबारा से रिवर्ट कर देंगे। हैवी व्हीकल्स को हमने ऑलरेडी माल रोड से दिन में गुजरने से मना कर दिया है, उनको अब हमने कहा है कि वो बाईपास से, आउटर बाईपास से गुजरेंगे। सेक्टर 13 मार्केट में यस रेनोवेशन का काम जारी है, इसके अलावा सेक्टर 6 और सेक्टर 14 मार्केट भी हम ले रहे हैं स्मार्ट सिटी में। तो वहाँ लोगों के बैठने की अच्छी ब्यूटीफाइड बेंचेस, ग्रीनरी, प्लांटेशन, टाइलें, लाइट्स, इस तरीके की चीज़ें प्रावधान करेंगे, ताकि मार्केट्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और ना केवल वो खरीदने के उद्देश्य से या कोई जल्दबाजी के लिए मार्केट में जाएं, बल्कि फुर्सत से वहाँ बैठें, समय व्यतीत करें और एक एंजॉयमेंट के पर्पज़ से मार्केट्स में जाएं। सर एक रेहड़ी वाले जो हैं और जो फड़ी वाले हैं, वो चाहते हैं कि जब स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग भी प्रभावित होंगे इससे, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो उनको जाहिर तौर पर वहाँ से हटाया जाएगा। क्या उनके लिए भी कोई प्लानिंग जो DC करनाल के हैं निशांत कुमार यादव, उनके माइंड में है? बिल्कुल है, जो हमारे रेहड़ी वाले हैं, लॉन्ग टर्म में प्लान ये है कि हम इनको सेग्रीगेट करके एक तो इनके यूसेज के हिसाब से बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई फल की रेहड़ी लगाता है, उसका एक अलग कलर होगा, स्मार्ट सिटी करा के देगी, उनको यूनिफॉर्म आई कार्ड भी दिए जाएंगे, ताकि कोई भी पुलिस पर्सनल या कोई भी उनको हरेस ना करे ऑफिशियल। कई बारी दुकानदार ही हरेस करने लगते हैं कि भाई हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। तो उनको ऑथराइज करेंगे, हम आई कार्ड देंगे, यूनिफॉर्म देंगे। फल वाले की लेट से ग्रीन कलर की होगी रेहड़ी, तंबाकू वाले की रेड कलर की होगी, और अलग अलग कलर की कपड़े वाले की जो लगाते हैं रेहड़ी, बर्तनों की लगाते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग करके उनको डेजिग्नेटेड स्पेसेस देंगे। कि हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि स्मार्ट सिटी में जो लोग हैं, रोज़गार किसी का भी ना जाए, क्योंकि अगर किसी का रोज़गार ही छिन गया तो फिर सिटी को स्मार्ट बनाने का क्या फ़ायदा। तो रोज़गार किसी का नहीं जाने देंगे, इनको जगह फिक्स करके देंगे बाकायदा। हमारी कोई भी प्लानिंग होती है, इवन हमने अभी सातों फ्लाईओवर हैं जो करनाल के, उनको ब्यूटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, काम चला हुआ है, उसमें भी हमने विशेष रूप से वेंडिंग जोन बनाए कि जो वहाँ एग्जिस्टिंग रेहड़ी वाले हैं उनको जगह दे सकें, ताकि वो उनकी सेल प्रभावित ना हो, उनका रोज़गार प्रभावित ना हो। आखिरी सर सवाल है, करनाल का क्लब मार्केट है सर, जो उसके अंदर करनाल क्लब बना हुआ है पीछे, आप उसके चेयरमैन भी हैं सर,
1988 से अभी तक 18 लाख रुपए जिला परिषद के पास किराया गया, 16 लाख रुपए वो अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स पे कर चुके हैं। जाहिर तौर पर जब हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है तो सरकार को, प्रशासन को इनकम बढ़ाने की ओर देखना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने प्रपोजल भी दिए हैं, जो 10,000 रुपये महीने का किराया सर उसको लाखों रुपये महीने का लिया जा सकता है। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी आई होगी क्या, इसमें कुछ जो टेंडर है इसको कैंसिल करके कुछ क्या किसी और को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है? क्योंकि अगर लाखों रुपये जाहिर तौर पर सर मिल सकते हैं, 350 करोड़ की ज़मीन है टोटल वो, इसको लेकर क्या कुछ कहना? इसमें एक तो ये था कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें मैंने जिला परिषद के प्रतिनिधि और करनाल क्लब के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके बातचीत कराई। जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पुराना है वो सारा का सारा जो अभी जिला परिषद ने पे किया है वो करनाल क्लब ही पे करेगा, उनकी उनको इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी, इस पर सहमति बन गई है। तो ये सरकार के खाते से ना जा करके करनाल क्लब को ही देना होगा। दूसरा जो रेंट है, जो रेंट अमाउंट है जो बहुत कम है, ये भी हमारे सामने आगे बात आई है। मैंने जिला परिषद के प्रतिनिधियों से भी बात की है कि एक इंडिपेंडेंट अपना वेरिफिकेशन करवाएं कि इसका एक्चुअल रेंट कितना बनता है। इसी प्रकार से करनाल क्लब के जो लोग हैं उनको भी कहा है कि वो भी अपनी तसल्ली के लिए एक वेरिफिकेशन करवा लें और एक म्यूचुअल एग्रीड अमाउंट पे हम जो है एग्री करके उस अमाउंट पे इनको रेंट फिक्स करेंगे ताकि सरकार को किसी प्रकार का भी इसमें नुकसान ना। एफिडेविट में सर उन्होंने लिखा था सबलीज नहीं करेंगे, आगे रेस्टोरेंट सबलीज किया हुआ लाखों। बिल्कुल, ये मेरे पास भी शिकायत आई थी, इसकी जाँच भी मैंने दी हुई है सीईओ जिला परिषद को। और दूसरा एक हमारा जो इनिशिएटिव है इसकी इनकम बढ़ाने का, इसकी मेंबरशिप बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा मेंबरशिप की वन टाइम काफ़ी एक बड़ी अमाउंट जमा होती है, तो अगर हमने मेंबरशिप की बढ़ा दी तो काफी सारा अमाउंट जो है इसके सरकार के पास आएगा, तो वो भी हम कोशिश इसमें करेंगे। ओपन टेंडर सर कुछ हो सकता है इसका आने वाले टाइम? पहले एक बार जो शिकायतें काफी सारी आई हैं इनको एग्जामिन करा लेंगे, अगर इनमें सही पाई गई है शिकायतें तो निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करके ओपन टेंडर किया जा सकता है। थैंक यू सर। तो ये थे करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव, सीधे तौर पर हर उस सवाल का जवाब दिया जो लगातार जनता हम तक पहुंचा रही थी। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। एक बड़ी बात जो करनाल के डीसी ने बोली है कि स्मार्ट सिटी इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि किसी का रोजगार जाए, किसी का भी रोजगार नहीं छीनने दिया जाएगा। अगर कोई अपने सुझाव देना चाहता है इसके लिए भी IBN24 ने एक पहल रखी कि अगर एक ईमेल आईडी जारी किया जाए तो करनाल के लोग उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि कल को प्रशासन को भी उन सवालों का सामना ना करना पड़े जो कि सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जाते हैं। इसको लेकर भी करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि हम एक ईमेल आईडी जल्द ही जारी करेंगे जिसमें करनाल के लोगों के सुझाव भी ले जाएंगे। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।